गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज बच्चों हम पहले प्लेटी हेलमेंथीज को स्टार्ट करते हैं और प्लेटी हेलमेंथीज जो है उनको समझते हैं, ठीक है। तो प्लेटी हेलमेंथीज भी ये फोर्थ फाइलम है एनिमल किंगडम का, प्लेटी हेलमेंथीज। ठीक है, तो प्लेटी हेलमेंथीज फोर्थ फाइलम है एनिमल किंगडम का, ये नॉन कॉर्डेट फाइलम है। और इनमें बच्चों फटाफट से पॉइंट्स भी मैं लिखता जाऊंगा। प्लेटी, यहाँ पर प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमेंथ का मीन होता है वर्म, यानी कि ये फ्लैट वर्म्स हैं जो जिनकी शेप डॉर्सो वेंट्रल होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। और इनमें बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये एसीलोमेट होते हैं, दीज आर द एसीलोमेट एनिमल्स। 11th क्लास, कहीं भी आपको साउंड ऑडिबल ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप जरूर बताया करें, है ना। चलिए, तो ये एसीलोमेट होते हैं और इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, इनमें हाइड्रोस्केलेटन होता है, मतलब बॉडी फ्लूइड ही स्केलेटन का रोल प्ले करता है। एंड रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के द्वारा, रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी मैटर, इनमें बच्चों अमोनिया, ये अमोनिया को रिलीज करते हैं, ठीक है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में होते हैं इनमें, और इन्हें हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, एंड ये बच्चों बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एंड ये इंटरनल होता है, लार्वा स्टेज में भी कुछ एक ग्रुप में पाई जा सकती है। एंटीरियर हेड फॉर्मेशन
नर्व रिंग, एंड नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक। इलेवेंथ क्लास में एक बार प्लेटी हेलमिंथ से लेकर मोलस्का तक फिर से रिपीट करूंगा, और आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा को भी हम समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बायो का, तो एक बार रिपीट करने से काफी बच्चों को हेल्प मिलेगी। प्लेटी हेलमेंसीज को रिपीट कर रहा हूँ, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं, इनमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, यानी कि एक सेक जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें माउथ और एनस एक ही होता है, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनमें बॉडी फ्लूडी स्केलेटन का रोल प्ले करता है, हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं इसे, रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा, एक्सक्रीटरी मेटर इनमें अमोनिया है, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में प्रोटोमैक्रीडिया पाए जाते हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, ये बायलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जाता है, एंटीरियर पार्ट में ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सिफिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है, इनमें नर्व रिंग होती है एंटीरियर पार्ट में, और नर्वस सिस्टम पाया जाता है, लेडर लाइक होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो जनरली जो प्लेटी हेलमेंसीज हैं इनमें कई ऐसे भी होते हैं जो वुमन में और एनिमल्स में एज ए पैरासाइट पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में इनके एंटीरियर पार्ट में हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं। तो ये बच्चों फीचर हैं, इनके एग्जांपल है टीनिया सोलियम प्लेनेरिया, टीनिया सोलियम एंड प्लेनेरिया, ये इनके प्लेटी हेलमेंथीज के एग्जांपल हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता इनमें। नेक्स्ट लेते हैं एसके हेलमेंथीज। बच्चों नेक्स्ट ग्रुप है फाइलम एसके हेलमेंटीज, इन्हें हम राउंड वर्म्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, राउंडेड होती है एंड सिलेंड्रिकल होती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब इनके फीचर फटाफट से करते हैं। तो ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम रखते हैं, ऑर्गन सिस्टम का इनमें ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और लेकिन ये सूडोसिलोमेट होते हैं, इनमें सूडोसिलोम होती है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इनका, कंप्लीट डाइजेस्टिव। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इनके अंदर, एंड क्यूटिकल, इनके बॉडी के बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर, एंड जो बॉडी लेयर है वो सिंगल एपिडर्मिस की बनी होती है, सिंगल एपिडर्मिस, और जिसके नीचे मस्कुलेचर पाया जाता है, मसल्स पाई जाती हैं, सिंगल एपिडर्मिस होती है। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा, बॉडी सरफेस ठीक है, जो रेस्पिरेशन है बॉडी सरफेस डिफ्यूजन के द्वारा पॉसिबल होता है, और एक्सक्रीशन
एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया, अमोनिया और एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो नेफ्रीडिया, इनमें बच्चों मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, जो मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, ठीक है। चलो बच्चों एक बार इतना करते हैं इसको, जो एसके हेलमेंथीज है राउंड वर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि राउंडेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड उनके अंदर सिलोम तो बनती है, लेकिन सिलोम जो होती है वो पूरी तरीके से मीजोथीलियम से सराउंडेड नहीं होती है, और वो मीजो जो मीजोडर्म है या मीजोथीलियम है वो पाउचेस के फॉर्म में होती है, तो उसे हम सूडो सिलोम कहते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, माउथ और एनस अलग होते हैं, इनकी जो स्किन है उनके बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि उनको होस्ट के अंदर प्रोटेक्ट करती है, और सिंगल एपिडर्मिस होती है, रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा होता है, एक्सक्रीशन इनमें अमोनिया है नेफ्रीडिया के द्वारा। अब बात करते हैं इनमें मेल और फीमेल दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेल की जो लंबाई है वो शॉर्ट होती है, कम होती है, और उसकी पहचान ये है कि उसका जो पिछला पार्ट है वो कर्व्ड होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट है वो इसका कर्व्ड होता है, तो वो मेल की आइडेंटिटी है। और मेल के अंदर खास बात क्या है बच्चों कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एक ही चैम्बर में ओपन होते हैं, जिसे हम क्लोएका कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्लोएका, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एनस के द्वारा अलग खुलता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग खुलता है। बच्चों मेल के अंदर पीनियल स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं, पीनियल, मेल के अंदर पीनियल स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं कॉपुलेशन के लिए, मतलब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के लिए फीमेल के साथ में पीनियल स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, इनमें इंटरनल होता है, और जनरली डायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड दिस जनरली शोज द डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनमें बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, नर्वस सिस्टम में भी जो है ब्रेन का फॉर्मेशन है वो नहीं स्टार्ट होता, नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है। और तो इनके एग्जांपल हैं, अच्छा इनमें कई सारे ऐसे भी हैं जो पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं और डिजीज कॉजिंग भी होते हैं बच्चों। इनके एग्जाम्पल हैं एस्केरिस, बुचेरेरिया एंड साइलोस्टोमा, एस्केरिस, बुचेरेरिया एंड एनसाइलोस्टोमा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम एसके हेलमिंथीज। अंडरस्टूड? अगर बच्चों आपको ये फाइलम भी समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज कर दें। हाँ, फिर मैं नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करता हूं। हाँ जी, ठीक है बच्चों, तो आप इन दोनों फाइलम को आज रिवाइज जरूर करना। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं एनेलिडा। अच्छा, इनमें सिमेट्री बता सकते हैं बच्चों, राउंड वर्म्स के अंदर भी बायलैटरल सिमेट्री होती है, क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। तो बच्चों एनिमल किंगडम को लर्निंग का तरीका यह है कि जो मैंने क्लासिफिकेशन के जितने भी 18 या 19 बेस करवाए थे, पहले आप उनको अच्छे से समझे, देन फिर वही फीचर अपन को अप्लाई करने हैं एनिमल फाइला के अंदर, ठीक है, तो लर्निंग करने में काफी आसान हो जाएगा। आपने एक चीज नोटिस की कि प्लेटी हेलमिंथीज से ट्रिप्लोब्लास्टिक है, थ्री जर्मिनल लेयर्स वाले एनिमल है, जो बाकी जितने भी आगे के ग्रुप से सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। प्लेटी हेलमिंथीज एसिलोमेट होते हैं, एसके हेलमिंथीज सूडोसिलोमेट होते हैं, लेकिन अब जितने भी हम फाइला करेंगे वो सारे के सारे सिलोम वाले हैं, सिलोमेट है, ठीक है।
इलेवेंथ क्लास जो अपने प्लस टू का सिलेबस है उसका 60-70 पार्ट अपने इलेवेंथ का सिलेबस है, अपने प्लस टू का जो सिलेबस है उसका 60-70 पार्ट इलेवेंथ का सिलेबस है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब आप रेगुलर रहें, क्योंकि टोटल बायो के अंदर 22 चैप्टर्स हैं और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, प्लांट की फिजियोलॉजी का है, प्लांट की एनाटॉमी का है, तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ये सब अपने इलेवंथ के सिलेबस में है। तो अगर आप रेगुलर रहते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। 3 चैप्टर्स में कंप्लीट करवा चुका हूँ, 4th चैप्टर अपना रनिंग है एनिमल किंगडम। इसमें अपन नेक्स्ट फाइला जो है वो है एनेलिडा। एनेलिडा टर्म कैसे पढ़ा बच्चों? एनेलिडा इसलिए पढ़ा क्योंकि ये जो एनेलिड्स होते हैं इनके एंटीरियर पार्ट में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम एनुलस कहते हैं, और वहां से इनका जो नेम रखा गया एनेलिडा। ठीक है, तो फटाफट से इनके फीचर देखते हैं। तो एनेलिड्स जो है इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये सिलोमेट होते हैं, इनमें सिलोम पाई जाती है, तो ये सिलोमेट होते हैं। ठीक है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और ये बच्चों बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिक। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। इनमें बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इनमें पाया जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है। ठीक है, और सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं इनके अंदर, सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ब्लड पाया जाता है, ब्लड रेड कलर का होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीशन इनमें बच्चों अमोनिया का होता है, एक्वेटिक कंडीशन में अमोनिया रिलीज करते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल कंडीशन में ये यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रीडिया इनके अंदर पाए जाते हैं। और चिट्टी एमर्ज होती है, चिट्टी पाई जाती है, पैरापोडिया पाए जाते हैं फॉर द मूवमेंट, पैरापोडिया, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम। एक बार इतना समझते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एनेलिडा है ये डेवलप है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड दे डेवलप फ्रॉम थ्री जर्म लेयर, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दे आर द सिलोमेट एनिमल्स, दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ और एनस सेपरेटली ओपन होता है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है,
दे हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है और कुछ ब्लड वेसल्स फूल कर एक पंपिंग स्ट्रक्चर के रूप में बन जाती है जिसे हम ट्यूबुलर हार्ट कहते हैं। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन मॉइस्ट होती है तो मॉइस्ट से सीधा ही डिफ्यूजन होता है गैस का बॉडी के अंदर, तो क्यूटेनियस स्किन रेस्पिरेशन पाया जाता है। सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं फॉर द सेंसेशन, इनके ब्लड के अंदर इनके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जो सेल्स होती हैं वो अमीबॉइड होती हैं। एक्सक्रीटरी मैटर, इनमें एक्विटिक कंडीशंस में अमोनिया है एंड टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में दे रिलीजेस द यूरिया, इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस वो यूरिया को रिलीज करते हैं। और इनके बॉडी के स्किन के अंदर, बॉडी वॉल के अंदर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं फॉर द एक्सक्रीशन। सीटी नाम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके अलावा पैरापोडिया भी बनते हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। आगे की पार्ट में नर्व रिंग होती है, वहां से नर्व कोड निकलती है, डबल नर्व कोड निकलती है मिड वेंट्रल, जो कि मिड और वेंट्रल साइड में इलोंगेटेड होती है। सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है, सेगमेंटेशन इन एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अच्छा, सेगमेंटेशन एक्सटर्नली भी नजर आता है और इंटरनली भी सेप्टा के फॉर्म में होता है, और ग्रूव मतलब रिंग के रूप में ग्रूव नजर आती है इनकी बॉडी के ऊपर। अच्छा, ये बाइसेक्सुअल भी होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होते हैं एंड यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। बच्चों, एनिमल जो ग्रुप्स हैं इनका कोई एंड नहीं है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हायर क्लासेस में भी तो और आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ते जाएंगे, लेकिन अपन जो 11th का पार्ट है और जो अपने नीट का पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं, तो इनमें ये बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। और बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि दो एनिमल्स के बीच में क्रॉस होता है और स्पर्म का एक्सचेंज होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और इनमें बच्चों डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वा स्टेज भी पाई जाती है। अगर इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है तो ट्रोकोफोर लार्वा, इनके लार्वा का नाम क्या है, ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज पाई जा सकती है। ओके बच्चों, तो जो एनिलीड्स हैं, एनिलीड्स हैं वो वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये पाए जा सकते हैं। जनरली अर्थवर्म को तो फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनके एग्जांपल हैं नेरिस है, अर्थवर्म है, ठीक है, हिरुडिनेरिया, ठीक है, ये इनके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम मोलस्का। जो नेक्स्ट फाइलम है बच्चों वो है मोलस्का। बच्चों ये सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल होते हैं मॉलस, और ये एक्वेटिक कंडीशंस में, स्पेशली मरीन कंडीशंस में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, लेकिन सिलोम इनकी कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहती है, रिड्यूस्ड होती है, सिलोमेट होते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इनका, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, और इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन
सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट इनमें पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. इनके अंदर ब्लड जो होता है ब्लू होता है, जो ब्लड है इनका वो ब्लू होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन पिगमेंट. बच्चों हीमोसाइनिन मोलस्का के अंदर पाए जाते हैं, ये ब्लू कलर का होता है क्योंकि इसमें कॉपर होता है. क्या होता है? कॉपर. हीमोसाइनिन पिगमेंट कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि ब्लू कलर का अपीयरेंस देता है. और इनमें बच्चों रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन फॉर द रेस्पिरेशन दे हैव द गिल्स और पिनीडिया. ठीक है, फॉर द रेस्पिरेशन दे हैव द गिल्स और पिनीडिया. गिल्स और पिनीडिया पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए. और इनमें बच्चों सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, टेंटेकल्स पाए जाते हैं, टेंटेकल्स पाए जाते हैं, आईज होती हैं. ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था ऑस्प्रेडिया, केमिकल पानी की केमिकल टेस्टिंग के लिए ऑस्प्रेडिया पाए जाते हैं, ऑस्प्रेडिया फॉर केमिकल टेस्टिंग. केमिकल टेस्टिंग. और फटाफट से करते हैं, टाइम कम बचा है. केमिकल टेस्टिंग, इनकी बॉडी को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, विसरल मास, विसरल मास एंड फूड. इनकी बॉडी को बच्चों तीन भागों में डिवाइड करते हैं, हेड, विसरल मास एंड फूड. एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सॉफ्ट बॉडी के एनिमल हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, ब्लड ओपनली फ्लो होता है, ब्लड ब्लू कलर का होता है, ब्लड के अंदर ब्लू कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा या टीनिडिया के द्वारा होता है, ये मेंटल कैविटी के अंदर होते हैं. मेंटल क्या है ये मैं आगे बता रहा हूं. इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स के फॉर्म में टेंटेकल्स, आईज, ऑस्ट्रेडिया पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेडिया फॉर द केमिकल टेस्टिंग ऑफ वाटर. बॉडी इनकी तीन हिस्सों में, हेड, विसरल मास एंड फूड के फॉर्म में होती है. बच्चों इनका जो विसरल मास है वहां पर स्किन का फोल्ड होता है, उस स्किन के फोल्ड को हम कहते हैं मेंटल. स्किन के फोल्ड को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं. और इस मेंटल के अंदर जो कैविटी होती है उसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं. क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं. बच्चों जो मेंटल है उनके द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का सेल भी प्रोड्यूस होता है, तो इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड सीथ या शेल पाई जाती है. ठीक है, इनमें बच्चों मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं. मेल एंड फीमेल अलग होते हैं. इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है. फर्टिलाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है. और इनमें जो लार्वा स्टेज है वो है ग्लॉकीडियम. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनके अंदर, तो ग्लॉकीडियम, ध्यान से सुने आप, ग्लॉकीडियम और वेलिजर, ग्लॉकीडियम और वेलिजर, ग्लॉकीडियम और वेलिजर इज द लार्वा स्टेज ऑफ मॉलस्क एनिमल. ठीक है बच्चों, तो जनरली ये मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं. और इनके एग्जाम्पल है यूनियो, पाइला. ठीक है, और एक और चीज इनमें सिमेट्री अगर बताना चाहें तो बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री इनमें ऑब्जर्व की जाती है. नर्वस सिस्टम इनका
पूरा डेवलपमेंट नहीं होता। तो इनके एग्जांपल है, यूनियो है, पाइला है। तो बच्चों ये आज के फाइलम थे। टोटल आज स्पीड से किया अपने, टोटल चार फाइला हमने डिस्कस किए, प्लेटी हेलमेंटीज, एसके हेलमेंटीज, एनेलिडा एंड मोलस्का। कल की क्लास में हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे और आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा को एक बार फिर से रिपीट करेंगे और देन फिर हेमिकॉर्डेटा को कंप्लीट करेंगे। बच्चों जो हेमिकॉर्डेटा जो ग्रुप है वो लास्ट फाइला है नॉन कॉर्डेट्स का, देन फिर हम कॉर्डेट जो ग्रुप है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। 11th क्लास, किसी को कोई डाउट है क्या?